संस्था द्वारा कार्यक्रम का आयोजन, जादूगर कर रहा इस पाप को रोकने की अपील। वाराणसी के सुंदरपुर क्षेत्र स्थित इस निजी अस्पताल के प्रांगण में सामाजिक संस्था आगमन द्वारा आयोजित कार्यक्रम जादू भरी सोच में युवा जादूगर आदित्य रैना ने कस्बों के जरिए लोगों को भ्रूण हत्या रोकने के लिए जागरूक किया, जिसकी दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने काफी सराहना की। हम सामने से किसी से जाके कहते हैं कि बेटियां बचाना है, कन्या भ्रूण हत्या रोकना है, तो किसी एक लोग से कह पाएंगे, लेकिन हमने एक मैजिक के थ्रू, जिसमें लोगों ने देखा समझा, उससे मैसेज दिया और तरह तरह के मैसेज दिया कि जितना हो सके आप बेटियों को बचाइए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकिए। कन्या भ्रूण हत्या को समाज से दूर करने का प्रयास कर रही सामाजिक संस्था आगमन के सचिव डॉक्टर संतोष ओझा का कहना है कि हम लोगों का लक्ष्य अजन्मी बच्चों को जन्म देने का अधिकार दिलाना है। कुछ ऐसे एक्ट जादूगर द्वारा दिखाए गए जो इस बात का मैसेज दे कि बेटी नहीं है तो धरा पे कुछ भी नहीं बटेगा, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी ले आओ, बेटी पढ़ाओ, अपनी सम्मान को बढ़ाओ, ढेर सारे मैसेज जो है बेटियों से रिलेटेड, बेटियों को लाने के लिए, वो मैसेज हम लोग जादूगर के माध्यम से, जादूगरी के माध्यम से और जादूगरी को प्ले करके माध्यम से हम लोगों ने दिया है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए संस्था अपने अथक प्रयासों के माध्यम से समाज में व्याप्त इस कुरीति को समाप्त करने के लिए सालों से जुटी हुई है। सुजीत पटेल, ईटीवी न्यूज, वाराणसी। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे।